दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपको दिल्ली में, और दिल्ली में एक जगह है मैरोली, और मैरोली के पास एक नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार, और उसके पास एक जगह पड़ती है अहिंसा स्थल, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। एक जैन मंदिर है और काफ़ी बड़े एरिया में है, काफ़ी ग्रीनरी है आसपास, और हम इसको पूरा घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और दिखाऊंगा आपको यहाँ पर क्या खास है, क्यों लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो आइए मेरे साथ करते हैं इसको एक्सप्लोर। दोस्तों इसके डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अंदर एंटर करते ही इसी बोर्ड के पीछे आपको भगवान महावीर का संदेश पढ़ने को मिलेगा, जियो और जीने दो। और यह है चारों तरफ का कुछ व्यू। इसकी टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक की है, और इस मंदिर की स्थापना 1980 में श्री प्रेमचंद जैन जी ने की थी। और यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आपको अपने जूते यहाँ पर उतारने होंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो सर्विस है यहाँ पर, ये फ्री है। यहाँ पर आपको धर्मार्थ होम्योपैथिक औषधालय भी देखने को मिलेगा, जिसकी टाइमिंग यहाँ पर लिखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए चारों तरफ इसके ग्रीनरी और सुंदर सुंदर पार्क आपको देखने को मिलेंगे, और ये काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पर बना हुआ है। दोस्तों यह मंदिर जैन समुदाय का एक धार्मिक स्थल है। इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा भगवान महावीर की है, जो 24वें तीर्थंकर थे। दोस्तों यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही शांत है, और अगर कुछ टाइम आप शांति से यहाँ बिताना चाहते हैं तो आप जरूर यहाँ आ सकते हैं, आपको बहुत कम भीड़ भाड़ यहाँ देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये देख सकते हैं आप सीढ़ी पर एक सोशल मैसेज भी लिखा गया है। दोस्तों अहिंसा स्थल पर सभी धर्मों के लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं, और यहाँ का वातावरण यहाँ के लोगों के लिए खुश और शांति और स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम स्थान है। या फिर एक लाइन में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का वातावरण बहुत शांति प्रदान करने वाला है। और ये चारों तरफ का जो व्यू है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और एक मकबरा भी सामने आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप कुतुब मीनार भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी वो कुतुब मीनार की होगी, जिसमें वहाँ के आसपास का एरिया भी हम एक्सप्लोर करेंगे और कुतुब मीनार को भी। भगवान महावीर के दोनों साइड आपको शेर की प्रतिमा भी दिखाई देगी, और ये मूर्ति भी दिखाई देगी, और लोग यहाँ पर परिक्रमा भी लगाते हैं चारों तरफ। और इसको अगर बैक साइड से देखें मूर्ति को तो कुछ ऐसी दिखाई देती है, जो ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई है। और यहाँ पर एक पत्थर पर लिखा गया है श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर की मूर्ति ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है, और मूर्ति की ऊंचाई 13 फीट 6 इंच की है, और इसका वजन लगभग 30 टन है। दोस्तों अगर यहाँ से हम व्यू देखें तो आप देख सकते हैं चारों तरफ का जो व्यू है कितना सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों दिल्ली में ये मंदिर काफी फेमस है, सुख और शांति का प्रतीक है, तो काफ़ी लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए। और वाकई में यहाँ जो वातावरण है बहुत पॉजिटिव है और बहुत शांति है यहाँ पर। और यहाँ से ये आप देख सकते हैं किसी का जो मकबरा है यहाँ से दिखता है, और ये है भगवान महावीर की मूर्ति। काफ़ी लोग दर्शन कर रहे हैं अभी भी। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और देख लेते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर आप मोटे मोटे पत्थर देख सकते हैं, तो ये एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर इस मंदिर को बनाया गया है, लेकिन साफ सुथरे तरीके से बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आके। आप ये देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को कैसे मेंटेन किया हुआ है, और काफ़ी सुंदर निकल के आता है ये मंदिर।
चलिए दोस्तों पीछे की साइड चलते हैं और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ी कितनी ऊंचाई पर है ये मंदिर, तो व्यू वहाँ से जब देखते हैं ऊपर से तो वो भी मैंने दिखाया, काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आता है। और मंदिर के बैक साइड में आप देख सकते हैं ये इनका प्रसाद घर है, जहाँ पर भंडारा कहें प्रसाद कहें ये यहीं पर तैयार होता है, तो एक तैयारी चल भी रही है यहाँ पर। और पानी पीने के लिए आपको आरओ वाटर की फैसिलिटी भी यहाँ पर मिलेगी। इसी के साथ आप बुक्स लेना चाहते हैं, भगवान महावीर के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर बुक परचेज कर सकते हैं, बुक्स की काफ़ी कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया अहिंसा स्थल जो मेहरौली दिल्ली में है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।